हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का पॉकेट गुरुजी में। दोस्तों आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से आप भी किसी का भी व्हाट्सएप स्टेटस डाउनलोड करके अपने फोन में रख सकते हो, वो भी बिना किसी थर्ड पार्टी के एप्लीकेशन का यूज किए ही। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, हो सकता है आपको पता भी हो, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो ये वीडियो बहुत ही परफेक्ट होने वाला है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी का भी व्हाट्सएप स्टेटस वीडियो हो, फोटो हो, कोई भी चीज़ हो, आप डाउनलोड करके उसे बहुत ही आसान तरीके से अपने गैलरी में सेव करके रख सकते हैं। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो क्या होता है कि आपके साथ भी कभी कभी ऐसा होता होगा कि कोई आपका फ्रेंड या फिर कोई रिलेटिव आपका जब स्टेटस लगाता है तो क्या होता है कि हमको अच्छा लगता है, या तो हम उससे मांगे अगर मांगने वाला है तो। अगर कोई कोई ऐसे भी हो तो हमारे लिस्ट में जिससे हम चैट भी नहीं करना चाहते लेकिन उसका स्टेटस देख के हमको अच्छा लगता है, तो हम सोचते हैं काश ये स्टेटस हमारे पास भी होता, ये वीडियो हमारे पास भी होता, फोटो हमारे पास भी होता तो हम भी लगाते। तो ऐसे में क्या दोस्तों कि आप उनसे मांग भी नहीं सकते तो बस एक ही ऑप्शन बचता है कि हम उस स्टेटस को डाउनलोड कर लें। चलिए दोस्तों अपने फोन स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि किसी का भी व्हाट्सएप स्टेटस कैसे हम डाउनलोड करके रख सकते हैं बिना किसी थर्ड पार्टी के एप्लीकेशन के। किसी का भी स्टेटस डाउनलोड करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, व्हाट्सएप पे जाना है। व्हाट्सएप पे जाने के बाद आप यहाँ से चैट स्टेटस में आ सकते हो, यहाँ पे स्टेटस में आपको आ जाना है और यहाँ से किसी का भी आप स्टेटस देखते हो उसका पसंद आता है तो जब देखने के बाद आपको नीचे यहाँ पे शो होने लग जाएगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे देखा हुआ है, ये है और फिर ये है, दो स्टेटस है। तो यहाँ से मुझे इसका क्या करना है, डाउनलोड करके रखना है इस स्टेटस को। तो इसको डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना होगा, बैक जाना होगा। बैक जाने के बाद आपको जाना है अपने फाइल पर, यहाँ पे आपको फाइल मैनेजर पे आ जाना है। फाइल मैनेजर पे आने के बाद यहाँ पे आपको अपने स्टोरेज में यानी इंटरनल स्टोरेज में चले जाना है। यहाँ से आपको एक नया फोल्डर होना चाहिए या फिर किसी भी फोल्डर में आप पेस्ट कर सकते हो, तो मैं अभी बताऊँगा कहाँ पे क्या करना है। जैसे मेरा एक फोल्डर है, इसको मैंने बना के रखा हुआ है, खाली है, इसमें कुछ नहीं है। तो यहाँ पे आपको जाना है सर्च पे। सर्च पे जाने के बाद आपको व्हाट्सएप लिखना है और आपको अपने व्हाट्सएप फोल्डर में चले जाना। आप नॉर्मल भी जा सकते हो या फिर सर्च से करके भी जा सकते हो। आपको अपने व्हाट्सएप फोल्डर में चले जाना है और व्हाट्सएप में आने के बाद आपको क्या करना है, मीडिया में जाना है। और मीडिया में जाने के बाद यहाँ पे आपको सबसे नीचे एक फोल्डर दिखेगा यहाँ पे डॉट स्टेटस का, यहाँ पे आपको चले जाना है। लेकिन उसके पहले दोस्तों अगर आपका यहाँ पे शो नहीं कर रहा है तो आपको थ्री डॉट पे ऊपर क्लिक करना है। ऊपर क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग में जाना है। यहाँ से सेटिंग में जाने के बाद ये शो हिडन फाइल्स जो है ना, अगर ये आपका ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना है। यानी कि दोस्तों इससे क्या होगा, जिस फोल्डर के आगे आपका डॉट लगा होता है वो भी इसमें शो होने लग जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो, यहाँ पे नीचे है हमारा फोल्डर, तो इस पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो भी आपने देखा होगा स्टेटस वो इसमें शो होने लग जाएगा, यानी जो जो भी वीडियो आपने प्ले किया होगा यहाँ पे आपको शो होगा। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये देख सकते हो, ये था एक और एक ये था, यानी कि दो स्टेटस मेरे पास है। तो इसको मुझे क्या करना है, सेव करना है या फिर इसको सेव करके रखना है, डाउनलोड करना है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, इस पर आपको सेलेक्ट कर लेना है जो भी करना है और यहाँ से थ्री डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको क्या करना है, कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद आपको आना है अपने स्टोरेज पे और यहाँ से जो भी आपने फोल्डर क्रिएट किया है उस पर आपको आके यहाँ पे पेस्ट, ऊपर दिख रहा है मेरा, पेस्ट यहाँ पे कर देना है। आप जो भी ऑप्शन आपको शो कर रहा हो उस पर आपको क्लिक करके पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे हमारा पेस्ट हो गया। अब चाहे हम इसका रीनेम भी कर सकते हैं। रीनेम करने से क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कौन कौन सा है। यहाँ पर मैंने ए डाल दिया और यहाँ पर मैंने बी डाल दिया, तो आपके ऊपर है आप क्या नाम देना चाहते हो। तो यहाँ पे मेरा दोनों स्टेटस जो है वो यहाँ पे सेव हो गया सक्सेसफुली। अब मैं इसको या तो स्टेटस पे लगाऊँ या फिर किसी को शेयर भी कर सकता हूँ। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो थैंक्स मी लेटर, सब्सक्राइब मी, इट्स बेटर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।